मीडियम्स डिफिकल्ट पार्ट होता है आपके टेस्ट में। नॉर्मली 5 ईडियम्स आते हैं, या इससे अधिक भी कई बार आ जाते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करना है। ये डिफिकल्ट क्यों है? फिगरेटिव मीनिंग या सिंबॉलिक मीनिंग है, पिछले वीडियो में बताया था। लिटरेरी मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, जो पदार्थ से रिलेटेड है वो इसका राइट आंसर नहीं होता। ये नुकता पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आप जो ईडियम आता है उसके शब्द के अर्थ आपको पता है, टेक अप द हैच, हो सकता है मुझे इसका मीनिंग नहीं पता। मैं थोड़ा वीक हूँ इंग्लिश में, तो मुझे हैच का मीनिंग नहीं पता। मैंने आपको पढ़ाने के लिए इसका मीनिंग ये देखा कि इसका मीनिंग क्या है। ये एक औजार है जो काटने के वक्त, जो लड़ने के लिए, वैसे पुराने कल्चर का इसकी हिस्ट्री जब पढ़ी है तो जब वो मतलब बहुत जब आदि मानव तो नहीं, उसके बाद का जो घटना था वो युद्ध के लिए ये औजार ऐसे यूज किए जाते थे। वापस चलते हैं। तो इसका मतलब है कि एक कुल्हाड़ी है, बिहेव फॉर्मली उससे जोड़कर अभी देख रहे हैं। नेचुरली है, अगर कुल्हाड़ी है तो उसके कुल्हाड़ी के मीनिंग सीधे नहीं होंगे। कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी के गुण जो होंगे, कुल्हाड़ी के गुण क्या हैं, ये देखिए कैसे जाना है ऊपर। कुल्हाड़ी के जो गुण होंगे उसके साथ, कुल्हाड़ी के जो गुण होंगे, एक तो कुल्हाड़ी की शेप है, दिख है, इसमें आयरन है, ये पदार्थ हो गया। इसके गुण क्या होंगे, वो गुण वहां पर अप्लाई करने होंगे। गुण क्या है कि ये किसी को डराने के काम आ सकती है, फाइट करने के काम आ सकती है, लकड़ी को काटने के काम आ सकती है, है ना, तो युद्ध में भी काम आ सकती है। ये इसके जो है गुण है, इसके काम है, इसके फंक्शनिंग है। बिहेव फॉर्मली रस्मों के साथ, इस टाइम पर आपने खड़े होना है अगर टीचर आ जाए, ये फॉर्मल है। बेल बजेगी तो सभी ने बाहर निकलना है, ये फॉर्मल है, है ना। जो इवन फॉर्मल तो चलो उसकी बात नहीं करते। परस्यू ए चांस, अब ध्यान से देखिए इनसे कौन सा सबसे ज्यादा मैच करता है। कॉट इन द ट्रैप, ये वेग पहले ही दिखाई दे रहा है, तो ये रिजेक्ट हो रहे हैं, ये रिजेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा मीनिंग इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर लॉन्ग टेल पर जाना है, एक मैंने मेथड बताया था कि लॉन्ग टेल जनरली राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी अधिक लेके बैठा होता है, शॉर्ट मिडल और शॉर्ट से, है ना, मिडल से ज्यादा। तो थोड़ी सी लॉन्ग टेल है, लेकिन जहां मीनिंग की बात है, जहां मीनिंग आए, जहां डेफिनेशन आए, वहां पर लॉन्ग टेल की डेफिनेशन, है ना, आए, वहां पर लॉन्ग टेल की एप्लीकेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मीनिंग बताने के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। दैट इज वाई वहां इस ईडियम्स को प्रयोग करना है जहां पर, अगर टाइम कम है, अगर टाइम कम है तो आप अटैक लॉन्ग टेल पर कर सकते हैं। मान लीजिए 3 सेकंड बचे हैं तो लॉन्ग टेल को टिक कर दीजिए। अगर 20 सेकंड है तो थोड़ा रीजनली उसका मीनिंग देख के उसके गुणों के आधार पर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो इसका गुण है वो युद्ध है, है ना, तो ये काम क्या आती थी उसकी इमेज है, ये आपको सबको पता ही है। तो हर ईडियम के पीछे कोई रूट या स्टोरी या कल्चरल इवेंट होती है। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स हु यूज हैच एज ए सिंबल ऑफ वार रेसिस्टेंस ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट विद यूरोपियन क्लोनाइजर। तो जब अपने एक्सप्लॉयटेशन से बचना है तो ये आप साइन दिखा रहे हो। नेचुरली आप ये कह रहे हो कि अगर और एक्सप्लॉयटेशन किया, इनजस्टिस किया, इनइक्वालिटी की, हमारे राइट्स को आपने छीना, तो हम लड़ेंगे। वहाँ युद्ध फिजिकल था, लेकिन ईडियम में फिजिकल ज़्यादा युद्ध नहीं रहता। अगर यहाँ भी वार लिखा है, वार जो है ये वार, है ना, मैंने कहा ना फिजिकल मीनिंग नहीं लेने, यहाँ है प्रिपेयर फॉर और गो टू ए वार, तो वार जो है थिंकिंग की भी हो सकती है, ये नहीं था सोचा। लिटरेचर यही ऐसी ही तो बात है, लिटरेचर कभी दूसरी युद्ध वायलेंस के लिए तैयार नहीं करेगा। हाँ, अगर करेगा वो डिफेंड करने के लिए करेगा कि यार फीमेल ने डिफेंड करना है अपने आप को, उसके लिए हाँ करेगा। युद्ध वायलेंस वाला भी करना पड़ता है तो
हो सकता है ना, चूंका राजा हम आहिल थे दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त, तो शमशीर उठानी पड़ी थी। तो लेकिन नॉर्मल लाइफ में थोड़ी आप तलवार उठाते फिरोगे, रोज थोड़ी तलवार उठाते फिरोगे। आपका युद्ध है थिंकिंग का हो सकता है, आपके आइडियाज का हो सकता है कि आप जहां काम कर रहे हो वहां पर कोई किसी के इनजस्टिस कर रहा है और आप विचारों से उनका विरोध कर रहे हो, ये भी एक युद्ध है। सो ऐसे मीनिंग इसके लेने हैं और राइट आंसर आपको मेरे ख्याल में मिल गया है। वो जो इवेंट, जो कल्चरल इवेंट, जो कबीले वाली घटना बताई है, राइट आंसर ये है। लॉन्ग टेल भी है, सारा कुछ अप्लाई हो गया। तो और कुछ अगर इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता देता हूँ। यस, आइडियाज ऑफ रेडीनेस फॉर कन्फ्लिक्ट, कॉल ऑफ एक्शन अर्जिंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू एजर्ट। एजर्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एजर्ट होता है विदाउट अग्रेशन और विदाउट किसी को हर्ट किए हुए, विदाउट किसी का फिजिकल नुकसान किए हुए आप अपनी बात कहते हो, आप बात कह पाते हो। तीन तरह के लोग होते हैं। एक जो देखो फीमेल क्या है, मतलब हर जगह जब मैरिज के बाद क्या होता है, मेरे पास बहुत केस है इसलिए बात कर रहा हूँ, तो वो कई बहुत से केस है वो अपनी बात ही नहीं कह पाती है ना। तो कुछ केस ऐसे हैं वहाँ, यहाँ कोई भी है वो बात ऐसी इतनी डोमिनेटिंग, मतलब बड़ी फीमेल जो होती है हम नॉर्मली, या और कोई फीमेल है तो वो इतनी डोमिनेट कर जाती है कि उसकी की बात, ये अग्रेसिव अप्रोच हो गई है ना, दूसरे को हर्ट कर दिया, उसके राइट छीन लिए, ये कह ही नहीं पाए। तो ये दोनों दुखों का कारण है, ये एक्सेसिव है, ऐसा नहीं करना। ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात कह पाओ लेकिन दुख दूसरे को ना हो या कम हो, कुछ ऐसा तरीका, उसके लिए एनर्जी ठहराव वाली चाहिए। तो ये ऐसे युद्ध की बात कर रहे हैं, ऐसे मुहावरों में मतलब अच्छी बात ही नॉर्मली, और ये भी देखना है आपने अच्छे मीनिंग ही ढूंढने हैं, थोड़ी टेंडेंसी ऐसे रखनी है, तो क्योंकि ये लाइफ को बेटर करने के लिए इवेंट्स। फाइट फॉर बिलीफ यार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपने हकों के लिए, बिलीफ के लिए लड़ रहे हो। चैलेंजिंग सिचुएशन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, तो ये जो है ईडियम है यूज़ किया जा सकता है। और तो यहाँ पर अग्रेसिवली वर्ड है क्योंकि सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है लेकिन वो लास्ट में होती है, रोज़ नहीं होगी है ना। तो ये मीनिंग क्लियर है। फ्रेज डिटर्मिनेशन को आपको कहता है, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट करने के लिए। समथिंग इवन रिबेलियन डज नॉट नेसेसरी एम्प्लाई एडवोकेटिंग द वायलेंस, फिजिकल हार्म जरूरी नहीं है, लास्ट में फिजिकल हार्म पर जा सकते हैं, ये एजर्टिव अप्रोच पर है। बहुत हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेवंथ, इफ समवन हिट्स द नेल ऑन द हेड्स। मैं कारपेंटर हूँ, करतारपुर में हूँ और मैंने ये काम करके करके ही मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैंने पूरे ये काम किए हुए हैं। तो ये काम मेरा था क्या, ये वाला कि फर्नीचर बनाना है, नेल है और हथौड़े से राइट जगह पर, राइट जगह भी राइट होनी चाहिए और ये हिट भी होनी चाहिए। ये क्या होता था, सच में बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस है, कई बार ये कील ऐसे चोट लगनी कि टेढ़ी हो जानी और नहीं लगनी, ये बेकार हो जानी। कई बार ये हिट ऐसे करनी कि लकड़ फट जानी है ना। इट मीन्स हिट ऐसे करना इतनी सीधे एंड प्रॉपर सिचुएशन में कि कील बिल्कुल सीधी जाए, लकड़ वी ना फटे और आपकी जो है जॉइंट पक्का हो जाए। इसको लाइफ पर अप्लाई कर दो, प्रॉब्लम पर अप्लाई कर दो, सिचुएशन पर अप्लाई कर दो। प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हो कि सल्यूशन ऐसा, आपका आइडियाज ऐसा एकदम ढूंढ लेना कि बिल्कुल स्टीक हो, बिल्कुल निशाने पर लगे, बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो अप्लाई हो रहा है। इतनी सी बात थी, मीनिंग देखते हैं। अच्छा, इसकी रूट भी इसी में छुपी हुई है, जो हम काम करते थे कारपेंटर है ना, कि मेन पॉइंट ग्रास्पिंग अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन पर अप्लाई किया ना, मेन पॉइंट और एसेंस ऑफ सिचुएशन और इशू, कि किसी को उस मेन पॉइंट की तरफ इशारा कर देना, इंसाइट, जो उसका इंसाइट मीन सडन सल्यूशन उसका फाइंड आउट कर लेना, ये बात है। किसी ना किसी स्थिति या मुद्दे के मुख्य बिंदु, ये क्या है, देखिए मुख्य बिंदु के क्या बन रहा है, बिंदु नहीं है ये, फिजिकल बिंदु ये है, ये फिजिकल बिंदु है ना, फिजिकल इसकी रूट होगी, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग में ये प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। सल्यूशन हमेशा पहले आइडिया होता है कोई,
तो नेचुरली सूटेबल बेस्ट आइडिया फॉर एनी इशू सिचुएशन इज द आंसर ऑफ हाँ देखिए एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम और सिचुएशन एंगेज इन फिजिकल कन्फ्रंटेशन तो ये फिजिकल मीनिंग जो है ये वीक होते हैं हमेशा 99.9% मेक ए मिस्टेक और एरर ये पॉसिबिलिटी है दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ तो हिट्स ऑन ए हेड बिल्कुल स्टीक की बात हो रही है यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है शो डिफरेंस और लैक ऑफ कंसर्न इनडिफरेंट हो आप है ना ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ सल्यूशन हो रहा है और बड़ी बात कि लॉन्ग टेल यहाँ फिर अप्लाई हो रहा है आपको ये हौसला देगा अगर 5 आपको आते हैं सच में कह रहा हूँ पिछली बार भी 1 सीधा आंसर लॉन्ग टेल वाला था बाकी के बिल्कुल बराबर थे तो ये आपके 1-2 मार्क्स बढ़ाएंगे ये बात पक्की है पर अगर आपके पास सच में टाइम है अपने ये इस्तेमाल करना है यूज़ करना है रैशनली सॉल्व करना है वो एमरजेंसी में है एमरजेंसी हर वक्त नहीं होती चलो नेक्स्ट है एट लूज एंड टाई टू लूज एंड ऑफ ए थ्रेड कीप ऑप्शन ओपन इन एन अनसर्टन सिचुएशन रीपे डेट अब ये देखिए कि सीधे मीनिंग है लूज एंड इस पर है ना ये बेशक लॉन्ग टेल है लेकिन ये लिटरेरी मीनिंग है इसको रिजेक्शन की या क्वेश्चन मार्क की संभावना पीछे रखने की संभावना ज़्यादा है कीप ऑप्शन ओपन ये हो सकता है अनसर्टन और तीनों में हो सकता है आगे चल के देखते हैं पहले इसके लिटरेरी या फिजिकल मीनिंग क्या है तो ये कोई भी रस्सी है वो एक बुंदी हुई है और लास्ट एंड उसका लूज है छोड़ दिया जाता है तो अब इसका इसने किधर जाना है क्या करना है इसको कुछ नहीं पता ये जो गुंदी हुई है ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है आप लाइफ में इसको अप्लाई करो है ना इडियम्स को सोचना ही ऐसे है प्रॉब्लम में सिचुएशन में इसमें है ना सिचुएशन में अप्लाई करो तो अगर देखें तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमें क्लियर है सॉल्व है यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक कुछ क्लियर नहीं है अनसर्टन है खुला हुआ है किधर जाना है ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं है ना तो इसको लाइफ में अप्लाई करके ऐसी बातें सामने आती है इसको अप्लाई कर सकते हो तो इसकी मीनिंग क्या और बन रहे हैं लूज एंड के पहले वाली रस्सी जो ये है ये इसका मतलब है टास्क कंप्लीट कर लिया गया ये मीन के टास्क कंप्लीट नहीं है अनसर्टन है लैक ऑफ क्लैरिटी है अनक्लैरिटी ऐसे शब्द यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं आगे है लिखा हुआ है ढीले सिरे से तात्पर्य खुले धागे से है जो कि किसी कार्य के पूरा करने के बाद लटके रह जाते हैं ये ढीले सिरे अधूरे काम अनसुलझे मामलों का संकेत देते हैं तो ये बात हुई मतलब टोटल क्या है अनफिनिश्ड बिजनेस अनरिजॉल्व्ड मैटर रेस्टलेस अनसर्टेनिटी लैक ऑफ पर्पस डायरेक्शन इतने मीनिंग बनते हैं सिंपल ये आपकी सिचुएशन प्रॉब्लम के यहाँ पर सोल्यूशन है यहाँ सोल्यूशन नहीं है अनसर्टेनिटी है डायरेक्शन नहीं है पर्पसलेस है ये मीनिंग इसके बन रहे हैं इससे वापस चल के राइट आंसर पर टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं राइट आंसर हमारा क्या हुआ कि कोई ऑप्शन ओपन रखी है हमने नहीं रखी हम अनसर्टन सिचुएशन में ये रहा राइट आंसर यहाँ पर लॉन्ग टेल क्योंकि यहाँ पर दिख गया था रीजनिंग अप्लाई की कि लिटरेरी मीनिंग ऐसे के ऐसे पड़े हैं इसको रिजेक्ट किया है रीजनिंग की है तो जो फिजिकल मीनिंग से उसके सिम्बॉलिक मीनिंग ढूंढ लिए सी राइट आंसर पर पहुँच गए नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फिगरेटिव मीनिंग ऑफ ईडियम ब्रेक ए लेग अच्छा फिगरेटिव मीनिंग का भी मीनिंग कई बार आ जाता है बीच में पूछ लेते हैं कि फिगरेटिव मीनिंग क्या है जिसके सिम्बॉलिक रियल फिजिकल मीनिंग नहीं है ना ब्रेक ए लेग अब देखना है कि सीधे ब्रेक ए लेग ब्रेक मैंने तोड़ना लेग मैंने टांग इतनी बात है ना तो सफरिंग ए फिजिकल इंजरी देखा फिजिकल मीनिंग है ना इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया कम से कम एक जरूर फिजिकल वाला होगा दो आराम से मिल जाते हैं विश समवन गुड लक ये कुछ मैच नहीं करता है ना हो सकता है यही फिजिकल मीनिंग हो सिम्बॉलिक मीनिंग हो पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट इवेंट कोई लिंक दिखाई नहीं दे रहा लेकिन क्वेश्चन मार्क है ऐसा भी मीनिंग हो सकता है टेक ए ब्रेक ब्रेक का ब्रेक मीनिंग ले लिया ये फिजिकल है ये रिजेक्शन की तरफ है इस दो में से एक ठीक होने की संभावना ज़्यादा है अब इसके रूट्स में जाते हैं बड़े तीन रूट्स इसके मिले हैं तीन स्टोरीज ये थिएटर की बात है जो ये ईडियम है थिएटर से ही आया है थिएटर में ही यूज़ किया जाता है ब्रेक ए लेग
होता क्या था, पहले एक सुपरस्टिशन में इसके रूट्स मिलते हैं कि वहम हो जाता है, जब कोई परफॉर्मर स्टेज पर परफॉर्मेंस देता था तो उसको गुड लक सीधे कहना तो उन्होंने डर जाना कहीं बैड ना हो जाए, तो कहते उन्होंने धीरे धीरे ये सोचना शुरू कर दिया कि कुछ बुरा बैड कहते हैं तो फिर गुड लक होगा। तो ये वहम है, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है। ये स्टोरी वही लिखी है, वन थ्योरी स्टेज दैट विशिंग समवन गुड लक डायरेक्टली बिफोर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस स्टेज में जाने से पहले, है ना, अभी उन्होंने डांस पेश नहीं किया, इज कंसिडर्ड बैड लक इन ए थिएटर। तो रिवर्स जो था उन्होंने कहना शुरू कर दिया, वो रिवर्स क्या हुआ, ब्रेक ए लेग। लेकिन ये रूट बहुत ज़्यादा अच्छी साइंटिफिक दिखाई नहीं दी। दूसरी रूट इसमें क्या है कि परफॉर्मर, आपने भी अब यूथ फेस्टिवल है जहाँ किसी कॉलेज में पार्टिसिपेट किया है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो नॉर्मली ऐसे करते हैं, ऐसी है ना। तो उससे पुराने युग में भी थोड़ा जाते हैं, थिएटर के पुराने युग में, तो ऐसे लेग को बेंड करके नीचे बैठ के ऐसे करते थे, जब क्लैपिंग लास्ट में बहुत होती है तो वो झुक जाते थे। ये इट मीन्स कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी गई है, हम थैंक यू करते हैं। तो एक मीनिंग यहाँ से निकलता है कि जब परफॉर्मेंस शुरू होनी है तो उसके एंड की बात की जा रही है कि लास्ट में आपकी लेग ब्रेक हो जाए, मतलब ब्रेक से यहाँ बेंड हो जाए और आप ऐसे नीचे बैठ के झुक जाओ कि इतनी क्लैपिंग हो। इसका क्या मतलब है, गुड लक, वेरी गुड लक, कि आप अच्छा परफॉर्म करो, इतना अच्छा परफॉर्म करो कि आपको लेग को ब्रेक डाउन बेंड, ये मीनिंग बने, करना पड़े, तो लास्ट में ऐसा होता है। इसको पहले विश कर रहे हैं, एक और बड़ा अच्छा मीनिंग मिला। तो ये अमेरिकन वो डेली जैसे थिएटर है, जैसे हमारे जो एंटरटेनमेंट के लिए जोकर वगैरह सर्कस वगैरह होती थी, इन्होंने हंसाना है, कुछ ऐसा अमेरिका में ये होता था। तो परफॉर्मेंस जब होती थी तब स्टेज ऊपर है और ऑडियंस नीचे है, तो जब परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होती थी तो उनको अपनी लेग को बेंड करके, बेंड को ब्रेक कर दिया, कह दिया, तो बेंड करके नीचे करके उन्होंने थैंक यू करना। हाँ, इट मीन्स ये साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि ड्यू टू लो स्टेज क्लियरेंस उनको स्टेज से दिखाई नहीं देता था, तो वो एक बराबर आने के कारण बेंड लेग को करके थैंक यू करते थे, परफॉर्मेंस जो अच्छी थी। तो दूसरा और तीसरा कारण मान के कहा जा सकता है, दूसरा कारण ज़्यादा बेटर है कि गुड लक है, वो साफ ही इसके हिंट बनते हैं, लेकिन देखो सीधे अर्थ इतने स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे कि ये राइट आंसर होगा। ओके, दैट इज़ वाई स्टोरी जब सुनी है स्टोरी तो मेरे ख्याल में कभी भूलेगा नहीं, इसलिए कम वो है idiom ले रहा हूँ मैं, लेकिन उसकी पक्का काम हो जाता है, स्टोरी पता है तो बच्चों को भी ऐसे समझाओ, है ना, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो। द idiom ब्लेसिंग इन disguise refer to something that bring good future without any effort. ये तो अच्छा नहीं बन रहा, मतलब लाइफ के लिए अच्छा थोड़ी है बिना एफर्ट आपको अच्छा कुछ मिल जाए, लेना नहीं चाहिए, बिना उसके कुछ नहीं अच्छा मिलता, फ्री में ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, आप गिफ्ट गुफ्ट जो भी कहते हो फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, हर देने वाला ये चाहेगा कि इक्वली और मोर उसको रिटर्न हो, उसको रिटर्न, ये ला है, नेचर का ला है, इज इनिशियली नेगेटिव बट इन टर्न आउट हैव पॉजिटिव आउटकम, ये लॉन्ग टेल है, थोड़ा सा शक मैंने 10% कर लिया, मेरे पास टाइम कम है इसलिए शायद, है ना, इज कंसिडर्ड लकी बाय सुपरस्टिशन पीपल, हाँ ये भी पॉसिबल है क्योंकि पीछे भी उसकी बात कर रहे हैं, लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट एंड रिग्रेट, क्या है, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ब्लेसिंग ये देख लीजिए कि ये ब्लेसिंग एक पॉजिटिव है, कौन आप में से कौन है कोई आशीर्वाद नहीं चाहता, कोई आपको कहता है मेरे ना ऐसे मोहल्ले में छोटे होते तो मैंने है ना किसी एक लेडी को ऐसे थोड़ा सा बुला देना, ऐसे करके एक दिन बुला दिया, उसने कहा खुश रहे तुझे ये मिले, तुझे ये मिले, मैं इतनी दूर चला गया उसके आशीर्वाद नहीं खत्म हुए यार, तो मैंने नेक्स्ट डे क्या है उनको अच्छी तरह से बुलाया, अब मैं कौन नहीं चाहेगा कि आपको ब्लेसिंग ना मिले, कौन नहीं चाहेगा आपके सिर पर कोई हाथ ना रखे, कौन नहीं चाहेगा कि आपको कोई दुआएं ना दे, तो ब्लेसिंग इज पॉजिटिव, ये हम चाहते हैं, और डिस्क्यूज है ना ये धोखा, नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्म है, इट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी। इसकी स्टोरी थोड़ी सी समझ लेते हैं,
हो क्या सकता है? डिस्क्यूज मतलब ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हाँ डिस्क्यूज मेकअप डिसेप्शन, भेष बदलना, धोखा देने के लिए श्रृंगार करना। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो श्रृंगार है ऊपर है और ये नकली है और ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव है एक नकली है, नकली लिखा गया हिंदी में वीक है, असली नहीं है, असली पीछे है। अब आपको कहा जाए इस लड़की से शादी करो कि बहुत नॉर्मल बंदा है, तो वो बाहर से गए नहीं 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 इससे नहीं करूँगा, लेकिन अंदर से इसके गुण हो सकते हैं, इसकी शक्ल अच्छी हो सकती है वगैरह वगैरह, यहाँ क्योंकि फिजिकल मीनिंग है, वहाँ दूसरे होंगे। इट मीन्स नेगेटिव के पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन ये रूट नहीं है, ये फिजिकल मीनिंग है। नेगेटिव बुरे के पीछे, अनसर्टन के पीछे कुछ अच्छा ब्लेसिंग छुपी हुई हो सकती है। अच्छा, इसकी जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। एक वो है वाक्यांश, ये किसी स्टोरी में फेबल, हाँ यूनानी, प्राचीन यूनानी कथाकार इस्प द्वारा एक लिखी की कहानी है, जिसमें एक फार्मर होता है और फार्मर के घोड़े हैं, उसका एक घोड़ा गुम हो जाता है। गांव वाले आते हैं, कहते हैं कि यार बड़ा बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, क्योंकि उस वक्त प्रॉपर्टी ये होती थी, है ना। तो वो कहता नहीं, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, तो वो मतलब कहता है कि इस बुरे के पीछे कुछ शायद अच्छा छुपा हुआ हो। गांव वाले कहते हैं कि बेवकूफ है, तो वो नुकसान हो गया तो कह रहा है कि अच्छा हुआ होगा, लेकिन हमारा जो असल धर्म है ना, जिसको ये युद्ध नहीं सिखाता, वायलेंस नहीं, यही सिखाता है कि अच्छे के लिए सब कुछ हो रहा है। तो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो घोड़े के साथ जंगल से घोड़ा वापस आता है, और उस के कुछ साथी घोड़े बन जाते हैं, दोस्ती हो जाती है, और वो घोड़ा जब किसान के पास आता है तो कई घोड़े उसके साथ आ जाते हैं, और एक घोड़ा गया था, नुकसान हुआ था, उसके पीछे क्या छुपा हुआ था, कितने घोड़े उस किसान को मिल गए। जिंदगी ऐसे भी है। एक कहानी 6वीं क्लास में मैंने पढ़ी थी, एक राजा था, वो जंगल में जाता है वजीर के साथ, उसका वजीर अक्सर कहता रहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या होता है कि राजे का हाथ कट जाता है, थोड़ा सा उसके चोट लग जाती है, यहाँ से हाथ कट जाता है, तो वो मल्लम पट्टी वहाँ जैसी होती है कर लेते हैं, वो कहता जो अच्छा हुआ, जो भी है अच्छे के लिए हुआ होगा, इसके पीछे कुछ ब्लेसिंग है होगी, है ना। तो राजा उससे बहुत क्रोधित होता है, कहता है इसको मूर्ख को कोई अकल नहीं है, मेरा इतना बुरा हुआ, हाथ फिजिकल कटा है, तो ये कह रहा अच्छा हो गया। तो वहाँ तूफान आता है, वजीर कुएं में गिर पड़ता है, वो तब भी कहता है कोई अच्छा हुआ होगा। होता क्या है कि वहाँ कबीले के लोग जो आते हैं तो वो राजे को पकड़ लेते हैं, वो कुएं में है, उसको नहीं पकड़ते, तो वो ले जाते हैं, उसकी सब कुछ करके उसको टांग देते हैं ऐसे, तो अब उसकी बलि देने लगते हैं। तो राजा तो गया, तो जब वो उसकी बलि देने लगते हैं तो एक शख्स उसमें से देख लेता है कि यार इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, उसको उतारते हैं, कहते बलि नहीं दी जाएगी, क्यों, हमें संपूर्ण पूर्ण मानव या पूर्ण जीव चाहिए, बलि का ये नियम है कि पूरा जीव तंदुरुस्त चाहिए, तो ये पहले से ही कटा हुआ है, इसको उसको छोड़ दिया जाता है। तो बुरे के पीछे अच्छा हो सकता है, लेकिन देखने वाली ताकत है, तो हर चीज़ के पीछे आप अच्छा देख सकते हो, वो देखने वाली ताकत आपको डेवलप करनी होगी अगर आप देखने वाले के साथ दोस्ती करोगे। वापस चलते हैं आगे, एक मुहावरा है, यही इसी को इम्प्लीकेशन है, लड़की है भीड़ में फंस गई, कहती यार बहुत बुरा हुआ, मैं फंस गई, लेकिन इसकी जो एक बेस्ट फ्रेंड थी, दो बड़े बड़ी बड़ी देर तक मिली नहीं थी, बाय चांस इसको वहाँ पर दिखाई दे जाती है, जो बुरे के पीछे अच्छा हो सकता है, लेकिन ये तभी कहा जा सकता है जब आप देखने वाले बन जाओ। नेक्स्ट है मुहावरा,